आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पाइस मनी के बारे में बताने वाला हूं कि स्पाइस मनी में कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है और किस सर्विस पर कितना कमीशन मिलता है और आपको स्पाइस मनी अकाउंट कैसे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको स्पाइस मनी की सर्विसेज दिखा देता हूँ कि इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं जिसमें आपको 2% तक का कमीशन प्लस 10,000 रुपीज तक का कैशबैक कमाने का मौका मिलता है। नो मोर पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आप कोई जियो या एयरटेल का रिचार्ज करते हैं तो आपको 0.50% कमीशन मिलता है। किसी और कंपनी का रिचार्ज करने पर आपको 0.75% और 200 से ज्यादा का रिचार्ज करने पर 2% का कमीशन, DTH रिचार्ज करने पर 1.50% का कमीशन मिलता है। इसमें आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं स्पाइस मनी DMT के थ्रू, और आप स्पाइस ATM भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप ATM कार्ड के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं। इसमें आप आधार कार्ड के थ्रू बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी फिंगरप्रिंट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मेरे पास है मंत्रा, तो आप मंत्रा, मोर्फो कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हैं। मैं इसको अटैच कर लेता हूं। अब जैसे कि मुझे बैलेंस इंक्वायरी करनी है तो बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे। इसमें आप डिवाइस चूज कर लेंगे जो भी आपने कनेक्ट की हुई है, जैसे कि मैं मंत्रा चूज कर लेता हूं। आपके सामने कमीशन प्लान आ जाएंगे जैसे कि प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। इनमें से आप कोई भी एक प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्लान ए एक्टिवेट किया हुआ है। तो इसमें आप किसी भी बैंक के अकाउंट से बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करूंगा। इसमें आपको कस्टमर का आधार कार्ड नंबर और कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद स्कैन टू चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी। आपको कस्टमर की फिंगर रखवानी होगी डिवाइस पर, जैसे कि स्कैन हो चुका है और इस तरह से बैंक में जो भी बैलेंस है वो सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस अकाउंट में इतना बैलेंस अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो सेंड SMS पर क्लिक करके SMS कर सकते हैं या फिर आप प्रिंट पर क्लिक करके ये स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप आधार कार्ड के थ्रू पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए आप एप्स विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। इसमें भी आप बैंक चूज करेंगे किस बैंक से आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लेता हूं। इसमें आप कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अमाउंट डालेंगे जितना भी आपको विड्रॉ करना है। इसके बाद टर्म्स एक्सेप्ट करेंगे और स्कैन पर क्लिक करेंगे, स्कैन टू विड्रॉ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद कंफर्म करेंगे। 1000 रुपीज हम निकाल रहे हैं और डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी, कस्टमर की फिंगर इस पर रखवाएंगे। तो आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और ये 1000 रुपए कस्टमर के बैंक अकाउंट से निकल चुके हैं। अगर आप चाहें तो प्रिंट पर क्लिक करके इस स्लिप को भी प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी बैंक अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। एमपॉस मशीन यूज करके आप कार्ड के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। LIC का पेमेंट आप ले सकते हैं, जैसे कि हमारे आसपास में कई लोगों के पास LIC पॉलिसी होती है और वो हर महीने उसका प्रीमियम पे करते हैं, तो आप अपनी शॉप पर भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। इसी तरह से स्पाइस मनी के थ्रू आप फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल पे कर सकते हैं, सिलेंडर बुक कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं और इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज है जो आप स्पाइस मनी के थ्रू कर सकते हैं। स्पाइस मनी वॉलेट में पैसे ऐड करने के लिए ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। इसमें आप ऐड मनी पर क्लिक करेंगे तो आप UPI वॉलेट या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। आपने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं आप यहाँ हिस्ट्री पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं। इसमें आप वॉलेट, एप्स, DMT, रिचार्ज, BBPS सभी के अलग अलग ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। नीचे अर्निंग्स पर क्लिक करके आप अपनी अर्निंग्स देख सकते हैं। इसमें आप अपनी डेली, वीकली और मंथली अर्निंग्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्पाइस मनी कमीशन की, यानी किस सर्विस पर आपको स्पाइस मनी में कितना कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर एक PDF है जो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ईशान मॉनिटर टेलीग्राम चैनल पर। आप इसको डाउनलोड करके खुद से देख सकते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर यानी DMT, यानी अगर आप किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं स्पाइस मनी के थ्रू, तो उसमें 5,00,000 रुपए तक आपका कमीशन रहेगा 0.38% अगर आप स्पाइस DMT से करते हैं, और अगर आप BC से करते हैं तो आपका कमीशन रहेगा 0.52%।
इसी तरह से अगर आप 5 से 15 लाख रुपए के बीच में ट्रांसफर करते हैं तो आपका स्पाइस डीएमटी में रहेगा 0.36% और बीसी में रहेगा 0.50%। इसमें आपको कैशबैक भी मिलेगा जो कि 100 रुपए या फिर 0.02% हो सकता है। इसी तरह से आप बाकी के कमीशन देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करते जाइए, जैसे कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी एप्स, यानी अगर आप आधार कार्ड के थ्रू पैसे निकालते हैं तो प्लान ए में आपको कितना कमीशन मिलेगा और प्लान बी में कितना कमीशन मिलेगा, कोई भी एक प्लान आप स्पाइस मनी एप्लीकेशन से एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 3,000 रुपए से लेकर 3,499 रुपए तक आधार कार्ड के थ्रू निकालते हैं तो आपको प्लान बी में 10 रुपए का कमीशन मिलेगा। इसी तरह से स्पाइस मनी में मिनी एटीएम मिलता है तो उसका कमीशन भी आप यहां देख सकते हैं। मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल यानी एमपॉस मशीन होती है, उसका कमीशन भी आप देख सकते हैं। और नीचे आप भारत बिल पे यानी बीबीपीएस का भी कमीशन देख सकते हैं। रिचार्ज पर आपको क्या मिलेगा वो भी आप यहां देख सकते हैं। होटल बुकिंग पर आपका कमीशन रहेगा 25% और फ्लाइट बुकिंग का भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस पीडीएफ में आपको स्पाइस मनी की सभी सर्विसेज के कमीशंस मिल जाएंगे और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ईशान मॉनिटर पर मिल जाएगी। आप डाउनलोड करके खुद से इसमें सभी सर्विसेज के कमीशंस देख सकते हैं। अब बात आती है कि आप स्पाइस मनी अकाउंट कैसे बना सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप स्पाइस मनी एप्लीकेशन में ज्वाइन स्पाइस मनी नाउ पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, पैन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, शॉप की लोकेशन डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स और साथ ही दुकान के साथ एक सेल्फी और एक वीडियो डिक्लेरेशन आपको शूट करना होगा। मतलब आप एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आप कहेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा पैन कार्ड नंबर ये है और मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरे स्पाइस मनी अकाउंट को एक्टिवेट किया जाए। इस तरह से आप एक वीडियो बनाकर उसको यहाँ ऐड करेंगे। इसके बाद आप सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स सबमिट हो जाएगी और आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट कराने के लिए 1500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। जबकि दूसरा तरीका ये है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म आप फिल करके सबमिट करेंगे तो उसमें आपको 200 रुपीज में ही स्पाइस मनी अकाउंट मिल जाएगा। एक बार स्पाइस मनी यूजर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप स्पाइस मनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप spicemoney.com वेब पोर्टल से भी लॉगिन कर सकते हैं और आप अपनी शॉप पर कस्टमर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करके अच्छी इनकम कर सकते हैं।